हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन एंड नेचर्स लवर। में आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मिनी बुद्धा गार्डन अब ग्लास के अंदर कैसे बनाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे मटेरियल की, आपको मटेरियल क्या क्या चाहिए। पहली बात, आपको चाहिए एक बॉल, जो ग्लास बॉल होता है, आपको एक कंटेनर चाहिए, ठीक है। वो आपको कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले आपको एक्वेरियम शॉप जाना है। एक्वेरियम शॉप में आपको इजीली हर चीज़ मिल जाएगा, चाहे आप आर्टिफिशियल प्लांट ले तो भी आपको मिल जाएगा। स्टोन की बात करें और आप ग्लास की बात करें, ग्लास ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये लेता है कि छोटा वाला बॉल, और दूसरा चीज़ है स्टोन वगैरह भी वैसे ही आपको मिल जाएंगे। सैंड आपको कहीं पे भी मिल जाता है, या फिर जैसे कंस्ट्रक्शन के छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, आपको प्लांट की बात करें, अगर आपको आर्टिफिशियल यूज़ करना है तो आप आर्टिफिशियल यूज़ कर सकते हैं, जो कोई भी शॉप में आपको मिल जाता है। और अगर आपको रियल प्लांट यूज़ करना है तो छोटे छोटे सैकुलेंट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे जेट प्लांट हो जाते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। और अगर उसको आपको एकदम नेचुरली लुक देना है, जो आपको काई होती है वो आपको कहीं पे भी मिल जाती है काई, उसको थोड़ा सा कुरच लीजिए और कुरच के उसको एक रियल लुक दीजिए तो बहुत प्यारा लगेगा, जैसे इस वीडियो में दिख रहा है। देखिए, छोटे छोटे काई लगे हुए हैं। तो ये आपको कहीं पे भी दीवार में बारिश के टाइम मिल जाती है, तो आप इसको बना सकते हैं, आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं और रियल प्लांट से भी बना सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, कि ये ना घर में कहीं पे भी आप रखो, इतना पॉजिटिव वाइब्स देती है और इतना देखने में इतना सुंदर लगता है ना, तो लगता है कि हाँ हम बनाए। और इसको बनाने में आपको ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं, ज़्यादा माथा पच्ची भी नहीं करनी पड़ती, इजीली बन जाता है। एक बार आप ट्राई करके देखिए, एकदम इजीली बन जाता है। और इसी चीज़ को आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे ना, 1,000 1,500 2,000 लेता है, उसको आप घर में ही आपके आस पास से सामान कलेक्ट करके, या फिर अब मैं सबसे मोस्ट अच्छा बताऊँगी, आप ना एक्वेरियम शॉप में जाइए, ग्लास खरीदिए, बॉल जो गोल बॉल आती है फिश रखने का, जो छोटा बॉल होता है उसको खरीदिए। और दोस्तों, बात करेंगे अभी बुद्धा की, जो बेबी छोटे बुद्धा होते हैं ना, तो आप उसको लीजिए, सबसे बेस्ट रहता है बेबी बुद्धा, देखने में भी सुंदर लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।